हैदराबाद मेट्रो रेल में दौरान सफर बगैर एयरफोन के वीडियोस देखने या ऊंची आवाज से फोन पर गुफ्तगू पर पाबंदी आयद की जा सकती है। हैदराबाद मेट्रो रेल के हकाम को दौरान सफर मुसाफिरों की जानिब से बिलखसूस नौजवान की जानिब से वीडियोस देखने और ऊंची आवाज से गुफ्तगू करने की शिकायत मौसूल हो रही, जिसके सबब दीगर मुसाफिरों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा। बताया जाता है कि ब्लड ज़हनी तनाव के अलावा इख्तलाज प्रेशर कल्ब के मरीजों को दीगर साथी मुसाफिरों के इस अमल से मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा और हैदराबाद मेट्रो रेल अहकाम से बात की ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो दौरान सफर ऊंची आवाज से वीडियो देखने या फोन पर बातचीत करने पर पाबंदी आयद करें, ताकि उनके सफर के दौरान उन्हें किसी किस्म के चिड़चिड़ेपन का सामना न करना पड़े। बताया जाता है कि शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल के स्टेशनों पर फराहम किए जाने वाले मुफ्त वाईफाई के इस्तेमाल के अलावा अपने फोन का डाटा इस्तेमाल करते हुए सफर के दौरान वक्त गुजारी के लिए कुछ लोग अपने साथियों से गुफ्तगू करते हैं या कुछ लोग फोन पर गुफ्तगू में मसरूफ होते हैं। अलावा जी बाज लोग अपने स्मार्टफोन पर बगैर एयरफोन के वीडियोज देख या गाने सुनते हैं, जो कि उन मुसाफिरों के लिए तकलीफ का सबब बन जा रहा जो पुरसुकून माहौल में सफर के लिए मेट्रो ट्रेन का इंतखाब करते हैं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में मौसूल होने वाली शिकायत के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से ट्रेन की बोगियों के साइलेंस जोन में तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में मेट्रो रेल के मुसाफिरों के लिए पहले शौर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी और उन्हें उनकी हरकत की दूसरों को होने वाली तकालीफ के सिलसिले में वाकिफ करवाया जाएगा, ताकि वह खुद से ऐसी हरकतों की तर्क कर दे जो साथी मुसाफिरों के लिए तकलीफदा साबित होती है, और उसके बाद मेट्रो ट्रेन की बोगियों को साइलेंस जोन करार दिया जाएगा।